वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल ये मीटिंग आप लोग का जो गैदरिंग है यहाँ पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं सभी नेता के नेता से सुनते हैं कि देश के बात किया जाता है, लेकिन देश सिर्फ दिल्ली में बात करने से नहीं होगा कि हमारा इतना बड़ा देश है, बहुत सी बिरादरी है और यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र को देखना चाहिए। सिक्किम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज जितना भी हिमालयन स्टेट है हमारे देश में, सिक्किम से लेकर जम्मू काश्मीर तक देखें और उत्तर अरुणाचल प्रदेश तक हम देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं कि जितना हमारे पहाड़ी राज्य हैं, हिमालयन स्टेट हैं, वो ही वाटर रिजर्वेयर है, हमारे पास में वाटर रिजर्वेयर हैं, बॉर्डर्स हैं, तो हम वहाँ पर देश के लिए पीने का पानी देते हैं और इसलिए पूरा देश को आगे आके हमारे हिमालय को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाटर रिजर्वेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सिक्किम में एक इन्वायरमेंटली कॉन्शियस स्टेट है, बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेट है, तो इस तरह हमने सिक्किम में पेड़ काटना बंद कर दिया, वहाँ पर समाप्त नहीं पेड़ नहीं काटते, वहाँ पर जितना ग्रीन फेलिंग ट्रीज बैन किया है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ मारना बंद किया गया है, ग्रेजिंग बंद किया गया है, तो एक आपने से कितना बड़ा एक पॉलिटिशियन को जोखिम उठाना पड़ता है, लोग इसे नाखुश होंगे पॉलिटिकली, हमें काफ़ी उससे जूझना पड़ा और हमारे जनता के जो लाइवलीहुड जो फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं उसके लाइवलीहुड में भी उसके लिए भी नुकसान होगा, तो सारी चीज़ को उठा कर हमने इसने किया कि इसके देश के लिए फायदा होगा, हमारे सिटी के लिए फायदा होगा, हमारे और भारत विश्व के लिए फायदा होगा, पृथ्वी के लिए फायदा होगा, इतना बड़ा आपने काम किया है। 10 मिनट मैंने सुन के वहाँ पर ये हम सब सिक्किम के सभी लोग मिलकर 10 मिनट में पेड़ रोक, हर साल 10 मिनट में 10 मिनट का पेड़ रोका प्लांट्स हम लगाते हैं, इस तरह से हमने वहाँ पर काम किया है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जैसा हिमालयन राज्य है उसके लिए केंद्र सरकार को और सारा भारतवासी सोचना चाहिए कि हमने जिस तरह से वहाँ पर काम करते हैं उसके लिए मदद करना चाहिए और हमारा जितना नुकसान हमें उठाना पड़ता है उसके लिए केंद्र सरकार से मदद मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, जरूर नहीं करना चाहूँगा। तो ये आज तक नहीं हुआ है, एक तो ये बात हुआ कि हम वाटर रिजर्व को प्रोटेक्ट करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, दूसरी बात है हम बॉर्डर में रहते हैं, एक तरफ नेपाल बॉर्डर है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ है हमारा भूटान और देश की तरफ भी पश्चिम बंगाल और दादी की तरफ काफ़ी अशांति है। तो सिक्किम ऐसा एक राज्य है जहाँ पर आज उसको मैं कहना चाहूँगा पीस ऑफ ओएसिस, ओएसिस ऑफ प्रोग्रेस, ओएसिस ऑफ इस तरह का एक उदाहरणीय काम किया है। तो वहाँ सिक्किम के लोग को सारा देशवासी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वहाँ के लोग देश के लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, देश के लिए सार्वभौमिकता अखंडता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, सॉवरेनिटी और इंटीग्रेशन के लिए इस बिना तलब की सिपाही की तरह हम लोग वहाँ काम करते हैं, बिना तलब की सिपाही की तरह काम करते हैं, देश दस देश भक्त लोग हैं। तो एक उदाहरण है, एक उदाहरण एग्जाम्पल है देश के लिए और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज तक सिक्किम के लोगों का वो कंट्रीब्यूशन है उसको इतना इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया, इसको सराहना नहीं मिला है और सिक्किम से तो दूसरा प्रदेश के लोग सीखना चाहिए कि दस देशभक्ति इस तरह किया जाता है, वहाँ पर शांति सुरक्षा रखकर और वहाँ पर विकास करके एक जाति एक सद्भावना बढ़ा के जिस तरह से हमने काम किए, जिस तरह से हमारे सिक्किम का बिल्कुल पहले लोग सोचते थे बॉर्डर स्टेट है वहाँ शांति होगी, वहाँ पर चाइना बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर है, जैसे कि जम्मू काश्मीर तरह लोग सोचते थे कि वहाँ शांति हो, लेकिन हमने एक बॉर्डर स्टेट का बॉर्डर का परिभाषा ही बदल दी कि एक बॉर्डर स्टेट भी पीसफुल रह सकता है, बॉर्डर स्टेट भी एक देश में प्रगतिशील राज्य बन सकता है, बॉर्डर स्टेट बॉर्डर में सिर्फ टेररिज्म और अशांति और ही नहीं होता है, वहाँ पर इंसर्जेंसी नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर स्टेट में भी शांति हो सकता है, वहाँ वो बॉर्डर स्टेट भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है विकास के लिए। इस तरह का एक नया सोच, एक नया विचार देश को सिक्किम के लोगों ने दिया है और मेरे नेतृत्व में वो एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आज तक एक चिंतन
एक सोच आजकल इंटेलेक्चुअली भी कभी मैंने कहीं पेपर भी नहीं देखा नहीं कि वहाँ शांति है क्या हो रहा है कोई मतलब फटाफट दे दें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए ताकि सिक्किम से जम्मू कश्मीर को सीखना चाहिए सिक्किम से दूसरा प्रदेश जहाँ शांति है बॉर्डर स्टेट है और सिक्किम से एक सबक सीखना चाहिए एक लेसन सीखना।